बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे ज़ाफ़रानी खीर। ये बहुत मज़ेदार होती है आपकी सहरी और अफ्तारी के बाद। आप इसको डिनर पे जब नमाज पढ़ के आएँ तो उसके बाद खा सकते हैं। इसके लिए इंग्रेडिएंट्स आप देखते हैं। टोटा चावल मैंने लिया है 3/4 कप, और फ्रेश काओ मिल्क लेना है 2 किलो तक आप ले लें। ये मैंने काओ का मिल्क इस्तेमाल किया है, उसको आप लेके बॉईल करना होगा। और ज़ाफ़रान ले लें, ज़ाफ़रान की स्ट्रिंग 1/4 टीस्पून, छोटी इलायची का पाउडर 1 टीस्पून, खोया ले लीजिएगा आप 1/2 कप, बादाम और पिस्ते भिगो लेने हैं हमने, 20-20 बादाम पिस्ते ले लें। इसको आप छील के और इसको काट के रख लीजिएगा। और चांदी का वर्क असली बिल्कुल आप लेके, आर्टिफिशियल नहीं डालिएगा, ये ओरिजिनल चांदी वर्क है, मैंने इंडिया से लिया है। और ये क्योर एसेंस डलेगा, मैं क्योर एसेंस मैंने नहीं डाला है, मैंने डाला है क्योरा वाटर। फुल क्रीम पाउडर मिल्क नीडो ही यूज़ किया है मैंने 1 कप, इसको आप थोड़ा सा पानी में मिक्स करके रखते हैं, एंड में डाल देंगे। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके प्रोसीजर देखते हैं। ये मैंने बॉईल करने को मिल्क चढ़ा दिया और उसके साथ ही साथ इसमें इलायची भी डाल दिए और ज़ाफ़रान भी डाल दिए, साथ ही साथ ये बॉयल होता रहेगा। अब इसमें बॉयल आ गया है, ये चावल मैंने भिगो के रखे हुए थे अच्छी तरह से वॉश करके, 1-1.5 घंटा मैंने भिगो के। इसको ग्राइंड करना है आपने हाथों से, मशीन में नहीं पीसिएगा, इसके दाना रहना चाहिए, मोटा मोटा दाना, थोड़ा सा बारीक बारीक वाला रहे। हथेलियों से खूब घिसा और उसके बाद मैंने ये देखे, और उसके बाद ये हैंड ग्राइंडर से मैं पीस ली। इस तरह आपके पास हैंड ग्राइंडर नहीं है आप इस तरह पीस लें, हो जाएगा। आप 1/2 घंटा भिगोएंगे तो ये जल्दी आराम आराम से पिस जाता है, और हैंड ग्राइंडर से तो बहुत इजी हो जाता है। देखें इस तरह से पीस के ये चावल का दाना घी में आता है, और बिल्कुल ग्राइंडर में तो आप बिल्कुल पीस लें ब्लेंडर वगैरह में, वो मज़ा नहीं। और ये मैंने चावल डाल दिए इसमें जब दूध जरा सा बॉयल होने लगा, और इस वक्त जिस वक्त चावल आप डालें तो कंटिन्यूस चमचा चलाते रहें। मुझे थोड़ा सा लेट हो गया इसमें, तो ये एंड में नीचे से चावल मैं आपको दिखाऊंगी, मुझसे मिस्टेक हो गई थी बीच में, नीचे से लग गए हैं, वो मैं आपको तरीका बताऊंगी इसमें क्या करना है, मैंने किस तरह ठीक किया। फिर आज देखें धीमी रहेगी बिल्कुल, ये सारा प्रोसेस हमने खीर का धीमी आँच पर करना है, कहीं भी किसी भी लेवल पर हमने आँच तेज़ नहीं करनी। ये देखें मेरा देर हो गई, मैंने ये चावल जम गए, तो मैंने इसके लिए ये हैवी ड्यूटी हैंड मैशर मेरा रहता है मेरे पास, उससे मैंने मैश करा अच्छी तरीके से। आप इसको मैश करें, मिक्स हो जाएगा, बिल्कुल परेशान ना हो आप कि आप निकालें, और अगर आपसे भी हो जाए, वैसे होता नहीं है, इसको आप आराम से करते रहें। और ये 1/2 घंटे तक ये खीर पकेगी और चावल इसका गलेगा। अब ये देखें थोड़ी सी गाढ़ी गाढ़ी हो गई है, अब मुझे पाउडर मिल्क डालना था, मैंने इस वक्त थोड़ा सा पाउडर मिल्क पानी में घोल के ये मैं डाल रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा अभी हमें और पकाना है इसको खीर को। पाउडर मिल्क का ज़रा एक अच्छा टेस्ट आ जाता है वो आप डालेंगे ना, तो दूध मैंने पका पका के, दूध आपने इतना पका लेना है कि ये 2 किलो मिल्क था तो 1.5 kg रहे। और ये बादाम पिस्ते डाल दिए हैं, ये छीले में मैंने बारीक बारीक काट लिए हैं, कुछ डेकोरेशन के लिए आप रख लें और कुछ डाल दें अंदर, कुछ हम एंड में डालेंगे। ये खोया डाल दिए हैं, खोया डाल के भी अच्छी तरह आप खोए को मिक्स करना है, ब्लेंड करना है, हैंड मैशर से कर लें या आप इसको ग्रेट करके डाल दें। मैंने थोड़े से मोटे मोटे चंक डाले थे तो मैंने हैंड मैशर से उसको मिक्स कर लिया। चीनी भी साथ में डाल दें आप, मैंने यहाँ पे 1 कप एंड 1/4 कप डाली है चीनी, आप अगर कम लगे आपको ज़्यादा लग रही है तो आप 1 कप डाल दें। और ये हम पकाएंगे चीनी, और उसके मैं हैंड मैशर से मैं चूल्हा, अभी आप इस वक्त चाहो तो तेज़ कर लो क्योंकि पानी डला है थोड़ा सा दूध के साथ मिक्स होके, और इसकी
कुकिंग का जाहिर है वो उस पर फ़र्क पड़ा होगा, तो आप इस वक्त आँच तेज़ कर लो, लेकिन जैसे ही इसमें बॉयल आ जाए आप बिल्कुल स्लो आँच पे करिएगा, वरना आपकी खीर नीचे से लग जाएगी और नीचे से लगा हुआ जो दूध का जो टेस्ट होता है वो बहुत बुरा होता है, वो एक जली हुई स्मेल आती है। तो ये बिल्कुल सारा प्रोसेस मैंने आँच आपको दिखाऊंगी। अभी आँच मैंने बिल्कुल आहिस्ता रखी है, 10-12 मिनट हमने और इसको पकाना है। दूध डालने के बाद ये मैंने थोड़ा सा और दूध डाला है, आप एक ही दफ़ा डाल लो ठीक है, और उसको आप इसको हम पकाएंगे खूब, और ये बहुत अच्छी लगती है। इसको आप सहरी में बना के रखें, फ्रिज में रखें, ठंडी ठंडी, टाइम नहीं है आपके पास कुछ, जल्दी जल्दी आप उठें और आपने सहरी में खीर निकाल के जैसे आपने खा ली और नमाज़ पढ़ के आए हैं मर्द आपके रात में तरावियों के बाद, ये इंजॉय कर सकते हैं इसको खा के। जितना अफ्तारी हम लोग की इतनी हैवी हो जाती हैवी अफ्तारी के बाद दिल नहीं चाह रहा होता रात में आए खाना खाने का, आप ये खा लें। अभी इसको हम और पकाएंगे, तकरीबन 15 मिनट और पकेगी ये धीमी आंच पे। अभी बॉयल आ गया है, तेज़ आंच मैंने थोड़ी सी करी है ताकि बॉयल आ जाए, और बॉयल आते ही साथ ही इसको मैं आहिस्ता आंच पे इसको और पकाऊंगी, तकरीबन 10 मिनट ये और पकेगी आगे। अच्छी तरह से हम चीज़ें इसमें मिक्स करते जाएंगे और ग्राइंड करते जाएंगे ये हाथ से। साथ साथ मिक्स करते रहें आप, साथ साथ चलाते रहें चमचा, और ये देखें आप ये चावल के दाने पक चुके हैं अच्छी तरह से आपको नज़र आ रहे हैं, और खीर भी थोड़ी सी गाढ़ी कंसिस्टेंसी हो चुकी है। ये देखिए इस तरह पक पक के तकरीबन 40-45 मिनट्स मैंने पकाई है ये खीर, इस तरह की कंसिस्टेंसी पे। ये चूल्हा आपने बंद कर दिया, क्योरा वाटर मैं ऐड कर रही हूँ इस वक्त, मैंने क्योरा एसेंस नहीं डाला, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है आपके लिए दिखाया था, आपको डालना है आप डालें, मैंने यहाँ पे क्योरा वाटर मेरे पास था मैंने ये डाल दिया है। इसको आप आराम से बेफिक्र होकर 1 टेबल स्पून तक डाल दो, मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून डाल दिया है, और इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और ये एंड में डालिएगा चूल्हा बंद करने के बाद, बहुत मज़े की और बहुत ही टेस्टी यमी सी ये खीर बनती है। खिलाएं अपने बच्चों को और घर में सबको, और बहुत हेल्दी है, अपने गेस्ट को दें। और ये एंड में मैंने ये मिक्स है बाउल में निकाल के सर्विंग बाउल में, और उसके बाद में मेरे पास मिट्टी की हांडी है, और ये इस पर मैं चांदी का वर्क लगा दूँ, को बहुत एहतियात से लगाना होता है, ये हाथ में आपके चिमट जाएगा, हाथ से आप नहीं लगाइएगा, कागज़ को लेके जस्ट इस पर टर्न करिएगा। और ये देखें कितनी माशाल्लाह ये मैंने डेकोरेट की है वही छिले हुए बादाम पिस्तों के साथ, आप अपनी मर्ज़ी से आप डेकोरेट करें, और मेरे पास फ्लावर्स थे और मैंने डेकोरेट कर दी। और ओके व्यूअर्स इन्जॉय करिएगा खीर ज़ाफ़रानी, इसको सहरी में इन्जॉय करिएगा ताफ्तान शीरमाल के साथ। ओके व्यूअर्स थैंक यू, वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, अल्लाह हाफिज़।